पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है, तो वही मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के इस मौके पर समस्त कलेक्ट्रेट कर्मचारी एवं अधिकारी गणों ने तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं द्वारा देशभक्ति के गीतों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के मौके पर फक्कड़ मुरादाबादी द्वारा अपनी किताब का विमोचन जिला अधिकारी द्वारा कराया गया। प्रस्तुति करने वाले स्कूली छात्राओं एवं अध्यापकों को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा समस्त लोगों को, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी एवं अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ में हम प्रवेश कर गए हैं। तमाम उतार चढ़ाव देखे, पर आज़ादी जिस वर्ष मिली वह कितने अथक प्रयासों से मिली। तमाम लोग शहीद हुए, उन लोगों ने योगदान दिया, उन सबको हम शत शत नमन करते हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज जैसा कि परंपरागत रूप से रहा है कि प्रातः 8 बजे यहाँ कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, और इसमें स्कूली बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो देशभक्ति से रिलेटेड था वो था, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मियों ने अपने विचार व्यक्त किए, और इस बात पर हम लोगों ने चिंतन मनन किया कि 75 वर्षों में हम कितनी प्रगति कर गए हैं, और अगले 25 वर्षों में जब हम देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे तो हम देश से क्या अपेक्षा करते हैं और खुद से क्या अपेक्षा करते हैं, उस पर हम लोगों ने एक मंथन किया और विचार विनिमय किया। तो ये अवसर वही है कि हमारे देश ने जो प्रगति की है, निश्चित रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी और कंट्री से नहीं की जा सकती है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने जो राजनीतिक परिपक्वता की भी हमारे यहाँ पे परिचय दिया गया है और जिस तरह से उसकी नींवें मजबूत हुई है वो हमारे देश के लिए गर्व और अभिमान की बात है। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करूंगा कि हम एक ऐसे देश के बारे में आज ही से काम करना शुरू कर दें कि जो हम 25 वर्ष बाद अपने देश के बारे में सपने देख रहे हैं, एक ऐसा देश जो जहां भाईचारा हो, जहां एक दूसरे से हम मिल बैठ कर रहते हो, जो विकसित देश हो, जहां सभी 100% साक्षरता हो, जहां पुरुष और महिला में किसी तरह का भेद न हो, जहां सबको आगे बढ़ने का अवसर हो, एक ऐसा राष्ट्र हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिलकर इस दिशा में काम करें, और निश्चित रूप से हम इसको हासिल करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। तो महोत्सव के तहत हर घर झंडा तिरंगा फहराया गया है, सर इसका क्या असर रहा और क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो पूरे जनपद वासियों को बधाई दूंगा कि जिस तरह से पिछले 11 तारीख से लेकर के और आज तक जिस तरह से लोगों ने उत्साहपूर्वक इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रतिभाग किया है, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि हमारे जनपद के नागरिकों का किस तरह का कमिटमेंट है अपने देश के प्रति। आज स्थिति ये है कि मुरादाबाद जनपद के हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, आज से नहीं, पिछले 2 दिनों से लहरा रहा है। आप देख रहे होंगे कि तमाम रैलियां निकल रही हैं, लोग उत्साह से भाग ले रहे हैं। आज जब मैं अपने आवास से कलेक्ट्रेट आ रहा था तो पूरे सड़क पर बिल्कुल फेस्टिवल का माहौल था, जैसे लग रहा था कि हाँ, आज कोई राष्ट्रीय फेस्टिवल है। तो ये अपने आप में, इसके लिए मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस 75 वर्ष को इतने बेहतर ढंग से मनाया, और ये हम लोगों के लिए एक तोहफा है जो नागरिकों की तरफ से दिया गया है।